हाय एवरीवन, हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं शुरुआत। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आप सबका भला हो, एग्ज़ाम अच्छा हो, चीज़ें आपकी अच्छी हो। आपका एग्ज़ाम है, आपका पहला पेपर है, पहली बार है, तो बढ़िया ही होगा। अच्छी होप के साथ चलते हैं। अभी की जो ये क्लास हमारी है, शिक्षण अधिगम के पेपर के क्वेश्चन हैं। शिक्षण अधिगम एजुकेशन पेपर 2 है आपका, ये दूसरे दिन आपका होगा। 50 नंबर के आपके ये पेपर होंगे। यह चीज़ें आपको दिमाग में लेकर चलनी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड, आइए बढ़ते हैं। शुरुआत तो मैंने आपकी इस सीरीज़ की, इस क्वेश्चन बैंक की तो पहले ही कर दी थी। जी हाँ, मैंने आपको लगभग 38 तक प्रश्न करवाया था लास्ट की जो क्लास हुई है हमारी। हम यहाँ पर अब मिलकर प्रॉपर तरीके से 39 से लेके आगे का जो क्वेश्चन है वो करने की पूरी बढ़िया कोशिश होगी कि हम अच्छे से कर ले जाएं। तो क्या तैयार हैं आप आज की इस क्लास के लिए? आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। पहली बार फ्रेंड्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। आपको लिंक, नोटिफिकेशन सब कुछ मिलेगा, हेल्प भी आपकी बहुत की जाएगी। आगे हम चलते हैं आगे। आप लोगों तो काफ़ी कुछ रिवीजन खुद से भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बाकी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स को ऑप्शन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। भूगोल शिक्षण विधि, भूगोल शिक्षण हेतु उपयोगी युक्ति क्या है? ज्योग्राफी को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो सबसे बेटर जो चीज़ें हैं वो क्या होंगी? पर्यटन युक्ति होगी, कहानी होगी, प्रदर्शन होगी, कथोपकथन युक्ति होगी, बताइए क्या हो सकता है? तो सबसे बढ़िया जो है वो भी ज्योग्राफी के लिए, वो घूमने वाली ही है। पर्यटन विधि ही सबसे उपयुक्त विधियों में से होती है। नेक्स्ट आइए, 40 प्रश्न आपके सामने हैं, 40 क्वेश्चन नेक्स्ट। विद्यालय पर्यटन स्कूल ट्रिप सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है? जो स्कूल ट्रिप जाती है वो सबसे पहले किसने? रेमंड ने, प्लोटो ने, प्रोफेसर रॉय ने? ये एक अननेसेसरी क्वेश्चन जो नहीं आएगा, ये आपके पेपर में आएगा लेकिन ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर प्रोफेसर रॉय हैं। वो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी हमें समझ में आता है कि क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं आ सकती हैं। नेक्स्ट आइए, 41 आइए। 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किया जाता है, किस पर? डॉक्टर एलन के द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा, पी एस शर्मा के, मिश्रा के, हर्बर्ट के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा कि राइट आंसर इसका भी यहाँ पर जो है वो आपका डॉक्टर एलन है, जो कि एग्ज़ाम में ये उम्मीद है कि नहीं आएगा। अभी तक एक क्वेश्चन मिला जो एग्ज़ाम में आएगा। निम्न में से पर्यटन सबसे अधिक सहायक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो भाषा शिक्षण में, संगीत में, गणित में, भूगोल में? जो ज्योग्राफिकल एरिया में लेके जाना, सिखाना, घुमाना, करना, ये किस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपसे यही पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा भूगोल शिक्षण में सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है। जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है, ये कथन का स्टेटमेंट है, आ सकता है। ठीक है, जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है। तो म्यूलिक ने कहा, थॉमसन ने कहा, रायबर ने, क्लर्क ने? तो 43 का एक सिंगल ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वो है म्यूलिक ने कहा है। 43 में ए ऑप्शन सभी के बढ़िया है। नेक्स्ट आइए, खेल विधि के लिए आवश्यक है क्या? स्वतंत्रता, रचनात्मकता, मानसिक शक्तियों का विकास, उपरोक्त सभी? खेल विधि के लिए जो आवश्यक है वो क्या है? 44 में क्या होगा, 44 के लिए क्या सही है? तो ध्यान रखिएगा उपरोक्त सभी। स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, जी हाँ, फ्रीडम होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट का ग्रोथ होना चाहिए, सब कुछ ये चीज़ें होनी ही होनी चाहिए। तो 44 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को भी है तो पूछिए, बिना पूछे सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। 45 की तरफ बढ़ते हैं आगे। छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया, ये प्रश्न आता है। जो बच्चे हैं उनमें एक्टिवनेस को लाने का एक जो जंग छेड़ी जाती है, वो शुरुआत किसने की? रूसो ने, कैल्पेट्रिक ने, फ्रोबेल ने, मॉन्टेसरी ने? 45 के लिए कौन सा ऑप्शन है करेक्ट होगा? 45 में क्या सही है? छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? तो 45 के लिए जो एकदम सही है वो आपका रूसो ने किया है। रूसो की शुरुआत की है, रूसो ने बहुत सारी शुरुआत अच्छी की है बच्चों की, आगे के भविष्य को सोच कर। नेक्स्ट आइए, सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियाँ क्या हैं? विचार समिति करना, सम्मेलन करना, विचार गोष्ठी, उपरोक्त सभी, बताइए 46 में क्या होगा?
46 में क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि सामूहिक चर्चा के जो उच्च स्तरीय शिक्षण विधियाँ हैं वो सब कुछ इसमें, विचार समिति भी आएगा, विचार गोष्ठी भी आएगा, सम्मेलन भी आएगा, ये सभी आपके ऑल करेक्ट होंगे। 46 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है किससे, अध्यापकों से, मॉनिटर से, प्रधानाचार्य से, प्रोक सभी। 47 में क्या होगा, तो 47 का एक सिंगल ऑप्शन आपका करेक्ट है, मॉनिटर से है, ठीक है। 47 में सी ऑप्शन जिन्होंने भी चूज़ किया है उनका एकदम करेक्ट है, कोई डाउट नहीं, आपको एक अच्छा नंबर गेन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सक के एरिया से संबंधित है, प्रयोग की, क्रिया की, आगमन की, अवलोकन की। 48 बताइए, 48 में क्या होगा, तो अवलोकन की, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवलोकित की जाती हैं उसके बेसिस पे किया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा 48 में डी। नेक्स्ट आइए 49, प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है, ये भी एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, बताइए 49 में क्या होगा। 49 पार्क का कहना है, क्लर्क का, लैंडन का, फ्रॉबिल का। 49 का जो सही ऑप्शन है ये पार्क का है, ठीक है, पार्कर का है। नेक्स्ट आइए, प्रश्नोत्तर विधि इसका संबंध है, प्रश्नोत्तर विधि से किसका संबंध, अन्वेषण का, तर्क का, अनुसंधान का, प्रयोग सभी। जिसमें क्वेश्चन होता है, क्वेश्चनार बहुत ज़्यादा होते हैं, उसका कनेक्शन किससे है, अन्वेषण का मतलब खोज होती है, तो प्रश्न आपको मिला है तो आंसर आप खोजेंगे बिल्कुल, तर्क आप करेंगे, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो तर्क तो आप करेंगे ही करेंगे ना, कि नहीं करेंगे, तो वो भी चीज़ें आपको दिमाग में लेकर चलनी है और ध्यान रखनी है कि ये चीज़ें इसमें इस तरीके से दी गई तो ये आपको करना होगा, ठीक है, अनुसंधान। तो यहाँ पर सब कुछ है। 50 में डी, कोई प्रॉब्लम लगी, मैंने अभी तक के 10 प्रश्न करवा दिए, 10 क्वेश्चन मैंने आप करा जिसमें से 3-4 आ सकते हैं, बाकी और से नहीं आएंगे। देखो बुक में जो चीज़ें दी गई हैं देख के हम सब चलेंगे, उसमें जो आएगा वही हमें पिक करना, बाकी हमें छोड़ देना है। हम आगे बढ़ें, कोई प्रॉब्लम किसी को है तो बताइए जल्दी से, सभी लोग फटाफट क्लास को लाइक करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी फ्रेंड जल्दी से करिए, ताकि आपका ये सपोर्ट, ये साथ मिलता रहे और मैं इसी बेसिस पे आपको चीज़ें करवा पाऊँ और आपका अच्छा से अच्छा पेपर भी हो। आइए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, जो भी और भी सेक्शन है या कह सकते हैं जो भी और भी क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख के डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो चीज़ें आपकी फंसेंगी वो आप मेरे को पूछ लेना, हम आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए 51, हाँ या नहीं उत्तर वाले प्रश्न कैसे होते हैं, प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, बोध होते हैं, अनुचित होते हैं और स्मृतियात्मक होते हैं। हाँ या नहीं वाले जो प्रश्न होते हैं वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन का कैटेगरी होता है ना, उन्हीं के बेसिस चीज़ें होती हैं, तो वही आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये अनुचित प्रश्न होते हैं, उचित या अनुचित, सही है या नहीं है, तो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट आइए, बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर संबंधित है, ये प्रश्न पेपर में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर से है, उच्च स्तर से है, माध्यमिक से है, सभी से है, बहुश्रेणी शिक्षण विधि किससे संबंधित होती है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो प्राथमिक स्तर से है, आपका जो प्राथमिक स्तर ए ऑप्शन है वो एकदम क्लियर है और सही है, तो आपको 52 के लिए ए ऑप्शन को हमेशा दिमाग में लेकर सही चलना है, आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आइए 53, निदानात्मक परीक्षण का अर्थ क्या होता है, बालकों की त्रुटियों और कमजोरियों का पता लगाना, बालकों की त्रुटियों को सूचीबद्ध करना, समस्या दूर करना, समस्याओं का प्रयोग करना। निदानात्मक ये पेपर में आएगा, 53 का राइट आंसर क्या होगा, ध्यान रखिएगा 53 में क्या होगा फ्रेंड्स बताइए। तो 53 में है बालकों की त्रुटियों और कमजोरियों का पता लगाना, कि निदान कैसे, जब पता होगा तभी आप उसका उपचार करोगे, जब पता ही नहीं तो उपचार कैसा कर सकते, क्योंकि उपचार तो बहुत तरीके, ऑपरेशन तो बहुत सारी चीज़ों का होता है, किसका करना है ये तो पता होना चाहिए, तो ए ऑप्शन इसीलिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है, प्रेरणा देने के लिए, कमजोरी दूर करने के लिए, कौशल प्रदान करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए। 54 में क्या होगा, 54 का कौन सा सही होगा बता सकते हैं, निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है, तो कमजोरियों को दूर करने के, जो प्रॉब्लम्स है जहाँ पे आप कम हो, वीक हो, उनको मीट आउट करना, उनको कम करना, उनको दूर करने के लिए यह प्रयास, यह काम किया जाता है। कोई प्रॉब्लम है किसी को, उम्मीद है कि नहीं होगी, समझाई जा रही है, सिखाई जा रही है चीज़ें, तो करने की कोशिश करिए कि जो जैसा कराया जाए उसी तरीके से उसको करिए, ताकि आपकी प्रॉपर हेल्प हो और आपकी चीज़ें सॉल्व आउट हों। नेक्स्ट आइए 55, बाल केंद्र शिक्षण का उद्देश्य क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का शारीरिक विकास,
बालक का मानसिक विकास उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए 55 में क्या होगा, 55 में क्या सही है? तो 55 में एक सिंगल ऑप्शन आपका सही है, वो है बालक का सर्वांगीण विकास, यानी कि उसका होल डेवलपमेंट, पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट। नेक्स्ट आइए, क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि कैसी है? जो क्रियापरक होती है, एक्टिविटी बेस्ड, ये पेपर में आएगा, ये ऊपर वाला भी पेपर में आएगा, ये 56 भी पेपर में आएगा। क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि कैसी होती है? प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन, ये सभी। बताइए क्या होगा राइट आंसर? आपके रिप्लाई पे ही चीज़ डिपेंड करती है कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आपको आ रहा है, इससे पहले आपने कितना पढ़ा, कितना सीखा। ध्यान से बताइए 56 में क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ये सभी, किंडरगार्टन भी आता है, खेल विधि, प्रोजेक्ट भी, सारी चीज़ें इक्वली इनमें आती हैं। नेक्स्ट आइए, अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है, अध्यापक जो होते हैं उनके मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है, बहुकक्षा शिक्षण में, बाल केंद्रित में, क्रियापरक में, सहगामी शिक्षण में। तो टीचर्स होते हैं मॉनिटर पर किस कक्षा शिक्षण में डिपेंड होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है राइट आंसर मल्टीपल जो क्लास होती है, जहाँ पर ज्वाइन कंबाइन क्लास होती है, वहाँ पर मॉनिटर की ज़रूरत टीचर को पड़ती है, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए, क्लास को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट आइए, छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित होता है क्या? कौशल, व्यक्तित्व, प्रेरणा और ज्ञान। छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है, क्या विकसित किया जाता है या क्या डेवलप किया जाता है? तो राइट आंसर जो है वो आपका कौशल, यानी कि स्किल्स को लाने का कोशिश की जाती है कि आप कैसे उसमें स्किल्स को ला सकते हो, डेवलप कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो आपका 58 में ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आइए 59 है, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल रूप से किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज ने, JNU ने, स्टैनफोर्ड ने, NCERT ने। शिक्षण की जो प्रक्रिया है, जो कौशल के रूप में है आ रही हैं निकल कर, जिनको हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कौन लाया? तो ध्यान रखना है कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने ही इसको भी लाया, किया और बताया है। नेक्स्ट आइए 60 है, शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित या क्रियान्वित किए जाते हैं, जिसका कथन है। स्टेटमेंट के प्रश्न हैं, बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, एलन का, ब्राउन का, क्लर्क का, रैबन का। 60 में क्या होगा, तो 60 का जो राइट आंसर है वो क्लर्क का है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए 61 चलते हैं, थोड़ा सा कम दिख रहा है, पढ़ के बताती हूँ। बीकमिंग बेटर टीचर, ए माइक्रो टीचिंग अप्रोच, किसकी पुस्तक है? DV के पासी की, एलन की, और ये एलन दो शाज है और रेयान है। बताइए 64, बुक्स के नेम्स के प्रश्न आते हैं, तो ये DV के पासी की है, इतना आपको दिमाग में लेकर चलना है। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद 1979 में शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हुए शिक्षण कौशल बताए थे। सारे लोग मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, कौशल, प्रमेय अपने हिसाब से, अपने थेसिस के हिसाब से देते, तो सबकी संख्याएं अलग अलग इसीलिए देखने को मिलती हैं। तो इन्होंने जो बताया था वो 7 बताया था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आइए, पाठ योजना का प्रथम बिंदु क्या है? ये सिलेबस में आएगा, मतलब पेपर में आएगा। लेसन प्लान, उसका जो पहला बिंदु होता है वो क्या है? प्रस्तावना प्रश्न है, कठिन निवारण है, उद्देश्य कथन है, व्याख्या। तो 63 का जो सही ऑप्शन है, जो राइट ऑप्शन है, एकदम करेक्ट है, वो आपका प्रस्तावना प्रश्न ही है, ये आपको दिमाग में लेकर चलना है। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध किससे होता है? विषय वस्तु, शिक्षक ज्ञान से, पूर्व ज्ञान से, अश्रृंखलाबद्धता से होता है। 64 का क्या होगा? तो 64 का जो राइट आंसर है, जो सही है ना, वो विषय वस्तु से होता है, यही चीज़ आपकी सही, बाकी आपकी गलत है। नेक्स्ट आइए, सबसे अच्छा उत्तेजक है किसका कथन है? कोलविन का, रेमंड का, रायबन का, पार्कर का। 65 में क्या होगा? 65 में आपका कोलविन जो है वो सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 66, अधिगम का अर्थ है, अधिगम का मीनिंग क्या है? लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना, उपरोक्त सभी। 66 में क्या करेक्ट होगा? 66 राइट आंसर यहाँ पर अधिगम का अर्थ है सीखना। ठीक है, आगे बढ़िए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेख है, ये पेपर में प्रश्न आएंगे, ये सिलेबस से ओरिएंटेड है, एकदम पूछे जाएंगे। अपव्यय का अवरोधन, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर, शिक्षा में गुणात्मक सुधार में कमी और उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो उल्लेख है वो क्या है, उसमें क्या कहा गया है?
तो ध्यान रखिएगा, उसमें सारी बातें कही गई हैं, अपव्यय का अवरोध करो, शिक्षा का जो गिर रहा है स्तर उसको ध्यान में रखो, क्वालिटी लाओ, चेंजेस लाओ, सब कुछ उसमें कहा गया है। न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है, ये भी आपके सिलेबस में ही दिया गया है। 68 लास्ट के चैप्टर्स का ये क्वेश्चन है। अपव्यय अवरोधन, शिक्षा के गुणात्मक सुधार का अभाव, छात्र उपलब्धि कमजोर होना, उपरोक्त सभी। न्यूनतम अधिगम स्तर की जो आवश्यकता है वो क्या चीज़ें हैं, तो 68 का जो सही ऑप्शन है वो भी उपरोक्त सभी होगा। चारों के चारों ऑप्शन सही हैं और चारों उसमें आप प्रॉपरली आएंगे, चीज़ें उसमें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर है न्यूनतम का अर्थ है। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, कम होता है, न्यून कोण होता है, आवश्यकता से कम होता है, कुशलता का वाहन जिसकी निश्चित कक्षा में छात्र द्वारा अर्जित किया जाता है। 69 में क्या होगा, तो 69 का यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही है। कुशलता का एक अंश है, किसी निश्चित कक्षा में छात्रों के द्वारा जिसको अर्जित किया जाता है, बच्चे उसको एक्वायर करके क्या करते हैं, सीखते हैं, उन पर काम करते हैं, वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं हमारी, ठीक है। आगे बढ़िए, 70 पे आइए। न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति है तो क्या आवश्यक है, शिक्षण में सुधार, शिक्षण विधियों में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार, उपरोक्त सभी। 70 का राइट आंसर क्या होगा, तो 70 के प्रश्न का जो ऑप्शन है सब कुछ है आपके, शिक्षण में सुधार करने के लिए, प्रणाली में सुधार करने के लिए, विधियों में सुधार करने के लिए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है कि 70 का डी आपका सही है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है, क्लियर सभी का। आगे बढ़े, नेक्स्ट आइए, न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है, नीड क्या है, अधिगम को बढ़ाने के लिए, प्रत्येक स्तर के लिए, अधिगम मात्रा निश्चित सुधार के लिए और विद्यालय के सुधार के लिए। तो आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो, कर रहे हो, करवा रहे हो, उसमें सुधार की क्या चीज़ें हैं, तो अधिगम की मात्रा निश्चित करने के लिए कि एक मिनिमम लेवल की नॉलेज कितनी, मैक्सिमम मिनिमम चीज़ें होनी ही चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर कुछ ना हो तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें तो आपको होनी ही होनी चाहिए। तो यही चीज़ आपसे यहाँ पर करवाई या बताई या पूछी जा रही है। नेक्स्ट आइए, 72 है, शिक्षण सामग्री का अर्थ उस समस्त सामग्री से है जो शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोली पाठ्य सामग्री में सहायता होती। फिलहाल एक क्वेश्चन इतना बड़ा है, आएगा नहीं तो परेशान नहीं हो। नेक्स्ट आइए, जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक उपयोग करता है क्या, जब बच्चे को बोल कर बता रहे हैं तब भी नहीं आ रहा है, बोर्ड पर लिख रहे हैं तब भी नहीं आ रहा है, तो शिक्षण विधि अपनाएंगे, श्यामपट का, सहायक सामग्री का, मौखिक कार्य करेंगे, क्या करेंगे टीचर उस वक्त, तो ध्यान रखिएगा वो सहायक सामग्री जो TLM आपने पढ़ा है उसको प्रयोग करेंगे, फिर वो चीज़ें इंटरेस्टिंग होंगी, बच्चों को समझ में आएंगी। मानचित्र का उपयोग किस विषय के लिए होता है, हिंदी के लिए, नागरिक शास्त्र के लिए, इतिहास के लिए, भूगोल के लिए। मैप को हम क्यों यूज़ करते हैं, मैप को भूगोल के लिए करते हैं, बाकी और विषयों में उतना नहीं होता, इतिहास में कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर भूगोल में ही होता है। नेक्स्ट आइए, 75 है, यहाँ पर दिया है उद्घोषणाओं में भाषाओं में विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक याद रखा जाता है, पुस्तकालय में, टेप रिकॉर्डर में, संग्रहालय में और रेडियो में। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन तक हम कहाँ पर चीज़ों को स्टोर करके सेव करके रख सकते हैं, इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो है टेप रिकॉर्डर, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आइए, कंप्यूटर के सिद्धांत का पता लगाया किसने, चार्ल्स बेबेज ने लगाया था, सबको पता है। आगे चलिए, भारत ने कंप्यूटर विकसित कब हुआ, 1961 में, 51 में, 71 में, 75 में। 77 का राइट आंसर है, 1961 के आसपास में ये डेवलप हुआ था। नेक्स्ट आइए, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया, आसूबोल ने, किविंस ने, डेनियल डेविस ने और क्या है, जॉन रेडस ने। तो ध्यान रखना कि ये डेनियल डेविस का नाम आता है, ये फिलहाल पेपर में नहीं आएगा। विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया, ये आ सकता है, 110, 105, 85 और 80। तो 79 का जो राइट आंसर है वो 110 है, ठीक है, ये पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 80, शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है, पुस्तकों के द्वारा, कक्षा के वातावरण द्वारा, श्रवदृश्य सामग्री द्वारा, पत्रिकाओं द्वारा। 80 का जो राइट आंसर है ना वो श्रवदृश्य सामग्री के द्वारा ही चीज़ें की जाती या होती हैं, जहाँ पर बच्चा इन चीज़ों को सीखता है, सुनता है, समझता है और उस पर कुछ काम करता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 81, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन सिस्टम है उसमें चीज़ें क्या हैं, बालक का शारीरिक विकास किया जाता है, सर्वांगीण और मानसिक और सभी।
81 में क्या होगा, 81 में क्या होगा? तो सर्वांगीण विकास यानी कि उसका होल डेवलपमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आइए, सहायक शिक्षण सामग्री के द्वारा बालक का विकास होता है, मानसिक विकास, भाषा का, बौद्धिक, ये सभी क्या डेवलपमेंट होता है, क्या काम होता है? तो ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पर जो काम होता है वो ये सभी होता है। आपके बौद्धिक विकास को भी पूरा वर्क में लाया जाता है, मानसिक को भी, भाषा को भी, सब कुछ सही करने का पूरा काम किया जाता है। नेक्स्ट आइए, शिक्षण अधिगम सामग्री आवश्यक है, किस लिए नेसेसरी है? अंग्रेजी के लिए, विज्ञान के लिए, उत्तम शिक्षण के लिए, भाषा के लिए, किस चीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है? तो 83 का जो राइट आंसर है एकदम सही है, वो आपका उत्तम शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। नेक्स्ट आइए 85, 4, शिक्षण सामग्री, ये सारे पेपर में आएंगे लगातार, जितने भी सब आ सकते हैं। शिक्षण सामग्री का कक्षा में उपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक, कम से कम, आवश्यकता के अनुसार और कभी कभी। टीएलएम को कब यूज़ करना चाहिए? तो यहाँ पर है, जैसे ज़रूरत पड़े उसी के हिसाब से आवश्यकता अनुसार उसको आप प्रयुक्त करिए। नेक्स्ट आइए, शिक्षक की गति आधारित, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए, किस पे डिपेंड होना चाहिए? छात्रों के सीखने की गति पर, परीक्षा की तिथि पर, अध्यापक के कार्य पर, क्लास पर। ये 15 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये चीज़ें किस पे डिपेंड होनी चाहिए बताइए। 85 में क्या होगा फ्रेंड्स, बता सकते हैं आप लोग? उम्मीद है कि बता दे जाएंगे। राइट आंसर जो है वो आपका ए है, उनकी सीखने की गति पर। आज हम 85 प्रश्न करेंगे, इसकी एक क्लास और बनेगी, ठीक है? मतलब 3 क्लास में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। इतना आप लोग करिए, सीखिए, आपको अभी समय है, हो रहा है रिवीजन। आप अपने सब, आप खुद से 3-4 सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं करवा रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्यूशन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा, परेशान नहीं हुई, सीखिए, पढ़िए, समय के साथ आगे बढ़िए। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।